तो मोदी करेंगे रामकाज, मौलाना को क्यों एतराज। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्षी दल जहां सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं का विरोध भी सामने आने लगा है। पीएम मोदी के राम मंदिर के उद्घाटन पर जाने पर तकरार जारी है। मौलाना मदनी ने पीएम के शामिल होने पर एतराज जताया। मदनी का कहना है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक नहीं था और वो उस फैसले के खिलाफ है। साथ ही हिदायत भी दी है कि जो मुस्लिम उद्घाटन में जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। साधु संतों ने मदनी की सोच को समाज के खिलाफ बताया है और साथ ही मौलाना मदनी के बयानों पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। जय जय सियाराम। मोदी करेंगे रामकाज, मौलाना को क्यों एतराज। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। प्रदेश में हर घर में, हर देवस्थल में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और एक कार्यक्रम हमारा तब तक लगातार चलना चाहिए जब तक अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान न जाएं। के मुल्क के वजीर आजम को ना किसी मंदिर ना किसी इबादतगाह के इफ्तिताह के लिए, संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। मजहब का मामला अवाम का मामला है, अवाम हो, मजहबी रहनुमा हो, वो कर। मंदिर निर्माण के फैसले के खिलाफ क्यों मदनी। के हम उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में, गलत तरीके से, गलत बुनियादों पर किया गया है। मदनी पर पलटवार, केशव मौर्य बोले घटिया प्रचार। के बयान का कोई महत्व है? सर्वोच्च अदालत का फैसला हो चुका है, रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है, हो रहा है और 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। इस प्रकार के बयानबाजी केवल प्रचार पाने का एक बहुत घटिया तरीका है। मदनी का बयान, संतों ने पूछा क्यों जहरीली जुबान। मौलाना मदनी ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के कोर्ट के अगेंस्ट बयान दिया है, यह आपत्तिजनक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पूर्ण इनका बयान है, नफरत फैलाने वाला बयान है। राम मंदिर के नाम पर क्यों नफरत काम पर। मौलाना मदनी पाकिस्तानी और आतंकवादी सोच के आदमी हैं। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए जो भारतीय संविधान के और सुप्रीम कोर्ट के ताने बाने को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा वो आप देख लीजिए। मोदी करेंगे रामकाज, मौलाना को क्यों एतराज, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे दूसरे राउंड का सवाल होगा मदनी का बयान, संत बोले क्यों जहरीली जुबान, ये जहरीली जुबान क्यों बोली जा रही है, ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे तीसरे राउंड का सवाल होगा राम मंदिर के नाम पर क्यों नफरत काम पर। एक तरफ जब दिव्य और भव्य राम मंदिर बन रहा है तो फिर इसमें नफरत काम पर क्यों लगी हुई है। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। फाजिल अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। HS रावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। फाजिल अहमद साहब, मैं शुरुआत आपसे कर ले रहा हूं, मोदी के रामकाज से दिक्कत और परेशानी है क्या। देखिए, ये सरकार दलित ओबीसी एससी एसटी के लिए कोई काम नहीं कर रही है, केवल हिंदू धर्म के लिए काम कर रही है, मंदिर के लिए काम कर रही है, अपने समाज के लोगों का काम कर रही है। देश में सिर्फ एक ही समाज के लोग नहीं रहते, बहुत से धर्म मजहब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा सरकार का झुकाव केवल एक ही धर्म मजहब के ऊपर होता है। तो कोई बात नहीं, उनका अपना समय है, उनकी इस पर किसी, मैं तो इस पर लोगों का एतराज करना भी गलत मानता हूं। भाई उनका उनका तुष्टिकरण करना है काम है, उस जिसके वोट से जीत के आए हैं उसके लिए कर रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें नहीं है। वो तुष्टिकरण कर रहे हैं, वो लोग जिसके वोट से जीत के आए हैं उसका तुष्टिकरण कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। बाकी लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी कभी सरकार आएगी तो वो लोग के लिए भी काम होगा,
ये पूरी सरकार पूरी तरह से दलित ओबीसी एससी एसटी मुसलमान किसी के लिए नहीं सोचती, केवल अपने हिंदू धर्म के समाज के लिए क्या नहीं सोच रही है। फाजिल अहमद साहब, सनातन दलित एससी एसटी ओबीसी के लिए सरकार क्या नहीं सोच रही है? देखिए, आदिवासियों ने सरना कोर्ट बिल अलग करने की मांग की कि हमारा जनगणना में सरना कोर्ट बिल, हम हिंदू नहीं है, हम सरना हमारा धर्म है, हमारे धर्म के हिसाब से जनगणना में अलग कालम दिया जाए, उसकी बात नहीं मान रहे। बुद्धिस्ट ने डिमांड किया कि हमारा अलग कालम दिया जाए, उसको भी नहीं कर रहे। और मुसलमान की तो बात ही छोड़ दी, मुसलमान के तो लोग दुश्मने हैं पूरी तरह से। अच्छा। और एससी एसटी ओबीसी की कोई योजना जितनी जितना भी इस देश में ईसाई है, सिख है, मुसलमान है, आदिवासी, जैन है, सरना धर्म है, बुद्धिस्ट धर्म है, किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं? आदिवासियों को तो, और क्रिश्चियन धर्म को तो अभी 25 दिसंबर आने वाला है, देखिएगा कितना जुल्म होता है ईसाइयों पे इस देश के अंदर। उनको क्रिसमस नहीं मनाने दिया जा रहा है, धर्मांतरण का आरोप लगा के क्रिसमस के कार्यक्रमों को ये लोग डिस्टर्ब कर देते हैं और तमाम चर्च पे हमले कर रहे हैं। कानपुर में चर्च पे हमला किया, दिल्ली में चर्च पे हमला किया, इसलिए ये लोग तुष्टीकरण मोदी जी ने कर दिया। समाज का वोट पाए हैं फाजिल अहमद साहब, उसी समाज मोदी जी ने कर दिया है सर, बाकी पूरे देश का कोई काम नहीं। मैं अनिला जी से जवाब लूंगा, लेकिन जल्दी से आप बता दीजिए, ये सब मोदी जी ने कर दिया क्या चीज? ये जितना आप गिना रहे हैं ये सब मोदी जी ने कर दिया? अभी 50% मंदिर बना है, 50% भी नहीं बना है। आप उठा के सैटेलाइट तस्वीर देख लीजिए। फाजिल अहमद साहब, पहले ये तय कर लीजिए कि विरोध किस बात का है। मंदिर आधा बना है, उद्घाटन हो जा रहा है, इस बात का विरोध है? इनको पता है पीएम मोदी उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, इस बात का विरोध है? या फिर दलित एससी एसटी ओबीसी और मुसलमानों का भला नहीं हो रहा है, इस बात का विरोध है? पहले ये तो तय कर लीजिए कि विरोध करना किस बात पर है। अनिला जी जवाब दीजिए। देश का भला नहीं कर रहे हैं ना ये लोग, देश का भला नहीं कर रहे हैं। आप लोग देश का भला नहीं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी एससी एसटी अल्पसंख्यक और ओबीसी का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं और उधर जा रहे हैं मंदिर का उद्घाटन। ठीक है, फाजिल अहमद साहब जवाब दे रहे हैं। अनिला जी, मेरी सबको राम राम। ये फाजिल अहमद जैसे जो है ना एकदम फ्रॉड लोग हैं, कभी ये मुस्लिम स्कॉलर बन के बैठ जाते हैं, कभी ये मुस्लिम धर्मगुरु बनकर बैठ जाते हैं, और केवल और केवल इनका एक एजेंडा होता है। आप मुझे ना फ्रॉड नहीं कर सकते अलीना जी, आप जो फ्रॉड होता है दूसरे को फ्रॉड समझता है, भारत वर्ष में ये जो फ्रॉड होता है ना दूसरे को भी फ्रॉड ही समझता है। अरे इनको चुप कराइए भाई। अरे जो फ्रॉड होता है वही दूसरों को फ्रॉड समझता है। फाजिल अहमद, फाजिल अहमद, इतना इंपेशेंट क्यों हो रहे हैं? आप बोल रहे थे अनिला जी ने आपको टोका या किसी और पैनलिस्ट ने आपको टोका? फाजिल अहमद एक सेकंड, फाजिल अहमद एक सेकंड, मुझे ना यहाँ आप लोगों को लड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। एक सेकंड फाजिल अहमद, एक सेकंड, प्लीज प्लीज, बदतमीजी आप कर रहे हैं अभी, आप बोल रहे थे बाकी सब चुप थे ना, प्लीज ऑडियो डाउन करिए। अनिला जी, राष्ट्र के प्रधानमंत्री के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपको अकल नहीं है? आप बोलते हैं कि वो ईसाइयों को परेशान करते हैं, वो मुसलमानों के दुश्मन है, हैं? ट्रिपल तलाक तो आप लोग गले में लटकाए घूम रहे थे ना, जितनी मुस्लिम बहन बेटियां माताएं हैं उनको किसने राहत दी? राष्ट्र प्रधानमंत्री ने तोड़ दिया, कानपुर में चर्च तोड़ दिया, क्या वो परेशान करना नहीं हुआ किसी का? देखकर उनका फायदा प्रॉपर्टी ध्वस्त करके जो फ्लैट बने हैं, गरीब मुस्लिम बहनों को सबसे ज्यादा वहाँ पे फ्लैट मिले हैं। अरे झूठ बोलना बंद करिए आप जैसे। अरे ऐसा नहीं किया मुस्लिम बहनों, जीएसटी देते हैं हम लोग, मुसलमान जीएसटी नहीं देते हैं क्या? आप एहसान करें किसी के ऊपर, जीएसटी देते हैं तो उसको घर नहीं देंगे, उसको सुविधा नहीं देंगे? जीएसटी देते हैं ना मुसलमान, प्लीज मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, ऐसे किसी की बात नहीं आ पाएगी। फाजिल अहमद, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आऊंगा फिर से आपके पास, आप काउंटर करिएगा, एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। अनिला जी 30 सेकंड, जल्दी से अपनी बात पूरी। मैंने आपको टोका, आप अपनी बात रख रहे थे, आप नहीं बता पाए कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ क्या भेदभाव कर रही है, ओबीसी के साथ क्या कर रही है, एसटी के साथ क्या कर रही है, नहीं बता पाए ना आप। मैं फिर आऊंगा आपके पास, बताइएगा। अनिला जी जल्दी से प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए फाजिल अहमद का, मेरा अनुरोध है। टीम पीसीआर एक्सट्रीमिस्ट मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लोग जो हमास के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, हाँ इनके साथ खूब भेदभाव हो रहा है, इनको इनके जो इनका जो तरीका होता है ना उसको ध्वस्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार बैठी हुई है, एजेंसीज बैठी हुई है, तो इनको परेशानी है। यहाँ जो आम मुसलमान है ना उसको परेशानी है, ना कोई और व्यक्ति चाहे किसी भी जाति और धर्म से आता हो उसको परेशानी है, क्योंकि भारतवर्ष अच्छा कर रहा है, भारतवर्ष जो है राष्ट्र में अपनी गति पकड़े हुए है। नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जो उन्होंने कहा करके दिखाया, 370 हटाएंगे हटा दिया,
राम मंदिर बनना चाहिए, उसकी लड़ाई हमने लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर बन रहा है, ट्रिपल तलाक हटेगा तो हटा दिया, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो कानून बनवा दिया। यही परेशानी है इन संकुचित मानसिकता, एक्सट्रीमिस्ट मानसिकता वाले लोगों के साथ। पर मैं चर्चा मिलाऊंगा भदौरिया जी, प्रधानमंत्री मोदी मंदिर उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, इस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड और मौलाना मदनी की तरफ से जो बयान आया है उस पर आपका स्टैंड? देखिए, सवाल ये है, अभी देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, सभी के अंदर में मेरा सवाल बहुत वाजिब है कि नफरत की राजनीति इस देश में कौन कर रहा है? सबको पता है नफरत की राजनीति देश में भारतीय जनता पार्टी करती है। इनके नेता है गिरिराज सिंह, क्या उन्होंने बोला कि मुसलमान अगर पाकिस्तान चले जाते तो हमारे देश की ऐसी हालत नहीं होती? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उस देश के अंदर में आजादी के बाद जो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं, सब भाई हैं। आप क्यों भाई भाई को लड़ाने की बात करते हो? ये कैबिनेट मंत्री की बात भाषा है, कैबिनेट मंत्री इस तरह की अगर भाषा का दुरुपयोग करेंगे तो बताइए देश कहां जाएगा? क्या कैबिनेट मंत्री की भाषा का ये उनको सूट करता है? जहां देश हमारा अनेकता में एकता वाला देश, पूरा विश्व इसको किस तरह से देखता है कि ये ऐसा हिंदुस्तान है जहां विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी सब एक हैं। लेकिन ये मंत्री भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कैसा महसूस होता है? उसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, कतर में जिस तरह से हमारे आठ जो हमारे नेवी के पूर्व सैनिक है, जो ऑफिसर है, उनको सजा सुनाई गई, तो सरकार क्या कर रही थी एक साल तक? क्या कर रही थी सरकार? क्यों नहीं सरकार ने उस पर एक्शन लिया? क्यों नहीं बातचीत शुरू की थी? ये सवाल तो बहुत पहले उठ चुका था। आज उनको सजा हुआ दी गई, क्या ये चिंता का विषय हमारे लिए नहीं होना चाहिए? हमारे लिए चिंता का विषय कभी ये नहीं होना चाहिए? जितना हम देखते हैं टीवी वाले, जितना ये मीडिया वाले, भारतीय जनता पार्टी के उसमें सह पे, जितना इसराइल और फिलिस्तीन में 18-18 दिन से पड़े हुए कैमरा लिए, मैं पूछता उसका 10% भी कि अपने देश में जब महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, मणिपुर में गए थे, क्या इतनी इतनी कवरेज हुई थी? आखिर आप दूसरों के देशों में जाके इतना, और हमारे देश के लोग की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था तो कुछ नहीं, और जिस महिलाओं के साथ जो 500 मीटर दूर पे जो हमारे मेडल जीतने वाली महिलाओं को जो पुलिस घसीट रही थी देश की, और वहां पे सारे कैबिनेट मंत्री वगैरह रहते हैं उसके 1 किलोमीटर के दायरे में, कितने मंत्री गए थे उन महिलाओं का दर्द पूछने के लिए? कोई गया था क्या? तो इस देश के अंदर में राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे, देश के असली मुद्दों पे बात करें, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, युवा जिस तरह से परेशान है उस पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? देश के मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं है? देश के असली मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं है? किसान जी, मैं तो परेशान है, जिससे ओला गिर रहा है उसकी फसल, सुन लीजिए, और दो सेकेंड जिस तरह से फसल लेट गई है, फसल लेट गई है, किसान बेचारा कैसा परेशान होगा, अपने बच्चों को स्कूल से निकाल ले रहा है क्योंकि उसको फीस देने का पैसा नहीं है। सोचिए, एक घर के अंदर में बाप भी बेरोजगार है, बेटा भी बेरोजगार है, और उसके नाती पोता स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि फीस देने का पैसा नहीं है। ये दर्द सोचिए, इस दर्द पे स्टोरी कीजिए तो लगेगा आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कहां कहां की बात लाके, इश्यू रोज बनते हैं लेकिन असली मुद्दों पे चर्चा नहीं। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बन रहा है, सभी उसका स्वागत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर परेशानी है तो भारतीय जनता पार्टी को डिबेट नहीं कर रहे होते। ठीक है भदौरिया जी, आपने 2 सेकंड मांगा, मैंने आपको दे दिया ना। अगर मंदी साफ कर रहे होते वो तो कह रहे हैं कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट के का फैसला ही मंजूर नहीं हो, फैसला ही सही नहीं है। मैं अल्लाह जी से आपकी सारी बातों पर जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रियंका जी को चर्चा में शामिल कर लूं। प्रियंका जी, क्या जितनी समस्याएं फाजिल अहमद साहब की तरफ से बताई जा रही हैं, फिर भदौरिया जी ने गिनाई है, अगर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाकर राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करते हैं तो इन समूची समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, मैं एक सवाल आपके दर्शकों के सामने छोड़कर जाना चाहती हूं आज, पर वो सवाल वाजिब है। अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, जब संसद का उद्घाटन हुआ तो कहां थी हमारी देश की प्रथम महिला, जो एक जनजाति से आती है और इस देश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है? क्या सिर्फ दिखावे के लिए है? महिलाओं का प्रतिनिधित्व की बातें, महिलाओं के आरक्षण की बातें, आज जब बात आई है तो देश की प्रथम महिला जो जनजाति को रिप्रेजेंट करती हैं, इस देश की आबादी को, आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, क्या उनके वहां जाने की कोई बात उठती? नहीं उठती। क्या रीजन है ये? क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पर इस चैनल पर इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि इस मंदिर को बनाने में जिस जो जो चंदा लगाया गया है, किसी सरकार का पैसा नहीं, इस देश की आम आवाम का पैसा है,
उन बच्चों की गुल्लक का पैसा है जो उन्होंने छोटा छोटा जोड़कर बनाया था, उन महिलाओं का पैसा है जो उन्होंने अपने घरेलू बजट से निकाला था, उस आम आदमी का पैसा है जो मेहनत से लगाया। मैं पूछना चाहती हूं, जब वहां पर घोटाले होते हैं तो उसका कोई भी आज तक कोई कोई आपको सब बताया गया कि क्या हुआ था उसके अंदर? वो जो भ्रष्टाचार वहां पर चल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जमीन को लेकर, वो गायब हो गए। मैं पूछना चाहती हूँ, उसकी जिम्मेदारी इस देश की सरकार की है कि नहीं है? सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए चली आएगी। और मैं दूसरी चीज ये कहना चाहूंगी, आज मंदिर पर जो ढिंढोरे पीट रहे हैं उसकी परिणीति कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने रखी थी। और आज अगर ये सपना पूरा हो रहा है तो सर्वोच्च अदालत के निर्णय पर हो रहा है, और मैं समझती हूँ सर्वोच्च अदालत का जो निर्णय है वो सबको मानना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, और इसमें ओके आस्था भी है और इसमें धर्म भी है, सब कुछ है। पर मैं पूछना चाहती हूं कि आज एक महिला को क्या अधिकार नहीं है कि ठीक है, वहां ये जाकर सवाल उसका पूछ लिया था उद्घाटन आपने, कर दें? ये आपने पूछ लिया था, मैं इस पर जवाब लूंगा अनिला जी से, लेकिन एच एस रावत साहब को भी चर्चा में शामिल कर लूं। रावत साहब, फाजिल अहमद का आरोप है, उनका ये कहना है कि देखिए उन्होंने सरकार बनाई है, उन लोगों ने वोट किया है, मतलब वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं लेकिन वो हिंदू धर्म के लोगों को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन लोगों ने वोट किया है इस वजह से उनके मंदिर बनवा रहे हैं, उनके राम काज में जा रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, तो इससे शिकायत नहीं होनी चाहिए मौलाना मदनी को। मैं इनको ये कहना चाहता हूं, फाजिल भाई को, ये अपनी बात नहीं करते, ये बात करते हैं आदिवासियों की, ये बात करते हैं अनुसूचित जाति लोगों की, ये बात दलितों की बात करते हैं। इन्होंने एक अपने दिमाग में ये नियम सेट कर रखा है कि हिंदुओं को बरगलाना है, उनके ऊपर कटाक्ष करना है और उनकी बातें उठानी है। अपने नहीं उठाएंगे कि मुसलमानों के साथ क्या क्या अच्छा किया है, वो नहीं बताएंगे, आदिवासियों को लेकर चलेंगे। ये यहां पर गेम प्ले करते हैं बहस के अंदर आकर के। अभी इस बात पर नहीं बोलेंगे क्या, अभी मैडम जो प्रियंका जी बोल रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको सबको मानना चाहिए, लेकिन उन्होंने मदनी की क्रिटिसाइज नहीं किया, मदनी की बात को उन्होंने मना नहीं किया कि मदनी साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि ये फैसला दबाव में हुआ, अच्छे तरीके से नहीं हुआ। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो बोले भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उनको सभी को मानना चाहिए, महबूब मतलब मदनी को कौन सी मानना लाइन चाहिए समझ में और आती ये है? फाजिल भाई को भी मानना चाहिए, जो फैसला आ नहीं, चुका है कौन तो उसको मानो, सी उसमें लाइन दिक्कत बोल क्या है, के आपको लेकिन समझ ये में बात आती है? नहीं वही बोल बता रही। देते, उसी भाषा में बात कर लो। मतलब आप लोग घुमा फिरा के जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने की जो कोशिश ये करते भटकाने हैं वाली वो क्या बात हकीकत है, है। आपने अभी क्यों ये मुद्दों से कहा, भटका रहे हैं? आपने यही कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राजीव गांधी ने ये सुप्रीम खुलवाया कोर्ट का था, फैसला राजीव है गांधी बहुत ने खुलवाया था, आप जाकर के कार नहीं, सेवा करो ना, जाकर के राहुल तो गांधी इसके सोनिया अलावा गांधी कुछ जाकर खिसता के है दर्शन क्या? करो ना, और कौन सी आप तो भाषा में वहां आपको मंदिर समझ तक में आता जाते है? हो, जाकर वो के भाषा वहां दर्शन बताइए। करने भी नहीं जाते हो, नहीं, एक तरफ आपको और क्रेडिट भी किस लेना भाषा में चाहते हो, समझाया और जाए? जब आप इस सुप्रीम कोर्ट भाषा की में बात कर बताइए रहे कि हो तो महमूद आप बदन जो मदनी सवालों है के जवाब उसको देने से कंडेम खुश करिए नहीं है? ना, महमूद बदनी नहीं को नहीं बोलिए ना कि गलत बोल रहे हो आप, ये फैसला अरे सही है आप राम ये मंदिर बताइए का, ना, वहां पे आप जो बोलो। भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं आप? जो वहां पे जब भूमि को आप लेकर मैंने भ्रष्टाचार आपने जो हुआ बात की है, मैंने उस पर वो सवाल बात आपके उठाया? सामने रखी है, नहीं, आपने ये आप कहा सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार का पर फैसला सवाल नहीं सबको उठाते मानना हैं चाहिए, तो और मंदिर के बहस नाम पे जो किया है जा रहा है, महमूद उसके बदनी बाद के आप ऊपर मुझसे है, पूछ रहे हैं ये कि मुझे बहस टीचर महमूद ब्लेम करना बदनी चाहिए के मुझसे ऊपर नहीं है, करना चाहिए? ना तो नहीं, भदौरिया आप साहब ने बताइए इसको आपने कितनी कंडेम बार सवाल किया, पूछा है ना देश की फाजिल सरकार ने से किया, ना कि वो आपने पैसा, किया, वो पैसा किसी क्यों पार्टी का एक था? व्यक्ति बार बार नहीं, वो सुप्रीम पैसा कोर्ट के किसी फैसले पार्टी को का कह था, रहा है वो सुप्रीम पैसा कोर्ट का फैसला किसी सरकार ठीक का नहीं है, था। इसका ठीक मतलब है, आप लोग एक अपने हिसाब पार्टी से सभा सुप्रीम में कोर्ट को ठीक है, चलाना हम चाह दूसरे रहे राउंड हो, की तरफ आप बढ़ चले। मैं आऊंगा आप आपके क्या पास, भदौरिया जी मैं आऊंगा आपके पास। अनिला सिंह जी, मदनी का जो बयान है संतों में इसको लेकर नाराजगी है, एक तो ये बताइए कि क्या जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी अवमानना की है उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है, उस दिशा में आप लोग आगे बढ़ेंगे, इसका जवाब दीजिए, और जितनी बातें भदौरिया जी की तरफ से कही गई हैं, प्रियंका जी की तरफ से गई कही गई हैं और फाजिल अहमद की तरफ से, उसका जवाब दीजिए। है कि चाहे वो भदौरिया साहब हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, और ये जो फाजिल अहमद बैठे हैं, मैंने तो इनको कह ही दिया ना, जो कभी धर्म गुरु तो कभी इस्लामिक स्कॉलर, और केवल इनको जहर उगलना है। तो जहां तक अनुराग जी की बात है, प्रियंका जी की बात है, इन लोगों ने तो हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करी है ना। तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से जो राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का आप विकास की फैसला राजनीति ना पार्लियामेंट में करो बदल दिया ना, आप था, विकास की और एक राजनीति क्यों नहीं फादर करते आप? जिसको,
मात्र एक आप बताइए विकास की राजनीति क्यों नहीं करते। हम तो विकास देखिए, क्रिकेट मैच हो रहा है कल उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर में, और पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं मैच देखने के लिए, पूरे विश्व से लोग मैच देखने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना अच्छा स्टेडियम बना है इसीलिए यहाँ देखो सारे होटल बुक्स है। यहाँ पे भदौरिया जी, भदौरिया जी क्रिकेट फैन के नाते बहुत बहुत धन्यवाद कि स्टेडियम बनाया, उस पर फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भदौरिया जी, मैं आऊंगा आपके पास। यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं, एक स्टेडियम बनने से कितने लोगों को रोजगार, हाँ सही बात है, मिला है लोगों को रोजगार, मिला है, मैच भी हो रहा है, तमाम लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं मैच देखने के लिए, लेकिन जो सत्ता में होता है वो करता है। अभी फिलहाल महमूद मदनी के बयान पर चर्चा कर रहे हैं भदौरिया जी, प्लीज देखिए, प्लीज भदौरिया जी, बहुत बधाई आपको इकाना स्टेडियम बनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बनाने के लिए, लेकिन अभी उस पर आ जाएंगे। महमूद मदनी ने जो बयान दिया उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्लीज भदौरिया जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भदौरिया जी, इकाना स्टेडियम का राग आपने कई बार अलापा है। अरे क्यों नहीं ला पाएंगे, काम किया तो बताएंगे नहीं, क्या डरते क्या तुमसे, काम किया चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, डरिए मत, काम किया है देखिए, डरेंगे क्या भाई, कोई गलत काम किया उसमें, कोई भ्रष्टाचार किया है क्या, नहीं किया ना तो डरिए मत, काम किया है तो क्यों गिनाएंगे, क्यों नहीं गिनाएंगे, काम किया एक्सप्रेस बनाया तो बताएंगे, अच्छा कर लीजिए इकाना स्टेडियम पर बात, बताएंगे एम्बुलेंस चलाए गांव गांव में तो बताएंगे, हमने रिवर फ्रंट बनाया तो बताएंगे, लैपटॉप दिया तो बताएंगे, महिलाओं के लिए 1090 बनाया तो बताएंगे, चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि मेट्रो समाजवादियों की देन है, कमाल की बात, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, एक सेकंड मेडिकल कॉलेज बनाया, भदौरिया जी को अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया नफरत के अलावा, यह देखिए मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप का मैच होने जा रहा है, पूरा विश्व देखने आ रहा है, ये समाजवादियों की देन है, बस भदौरिया जी बस करिए, भदौरिया जी प्लीज, आप आज उत्तर प्रदेश के अंदर में गला सूख जाएगा भाई, मैं आपको कह तो रहा हूँ, मैं आपको बधाई भी दे रहा हूँ और धन्यवाद भी दे रहा हूँ, हर आदमी को काम मिला हुआ है, सोचिए आप इस तरह का काम कीजिए तो अच्छा लगेगा, बस चलिए आप शांत हुए, अब आप पानी पी लीजिए और बहुत बधाई बहुत धन्यवाद कि आपने कान्हा स्टेडियम बनवाया। अभी अनिला जी आप जल्दी से जवाब दीजिए, क्या महमूद मदनी पर कोई कार्रवाई होगी जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की है? देखिए अभी मैं दो बात कहना चाहूंगी, अभी भी जब मैं अपनी बात कह रही थी अनुराग भदौरिया जी बीच में आ गए, क्योंकि इनका और लगातार बोलते रहे, खूब अपमान किया मेरा, क्योंकि मैं अपनी बात कहना चाह रही थी, मैंने इनके प्रति कोई भी किसी भी प्रकार की इनडिसेंसी नहीं करी, कुछ नहीं करी, पर एक महिला हूं, प्रवक्ता हूं, परंतु लाल टोपी की गुंडागर्दी ऐसे ही है, आपकी आवाज को दबाएंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे, यही इनका चरित्र है, इसी चरित्र की वजह से उत्तर प्रदेश ने इनको दरवाजा दिखा दिया था, उत्तर प्रदेश में आने वाले भविष्य में लाल टोपी की गुंडागर्दी वाली पार्टी की कोई जगह नहीं है। दूसरी बात यह है, मंदिर जैसे लोग क्या है, एक चीप पॉपुलैरिटी चाहते हैं, चीप पॉपुलैरिटी के तहत जो है उल्टे सीधी बयानबाजी करते हैं, इनका इनकी बातों को कोई लेवल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की इनकी हिम्मत है, इनकी हैसियत है, 2.5 इंच की जबान है, हिला दो कैसे भी कुछ भी बोल दो भैया, हाँ तो सीधी सी बात है, इनको जो इनका मन है कहने दीजिए, इनकी बातों का कोई असर नहीं होता है जी। यहाँ पे संत कह रहे ऐसे मत कहने दीजिए, संत कह रहे ऐसे मत कहने दीजिए, न सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान कर रहे हैं बल्कि अपनी जुबान के जरिए वो जहर घोलने का भी काम कर रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम भक्तों का इंतजार समाप्त हो रहा है और दूसरी तरफ उनकी तरीके से उनकी तरफ से इस तरह का बयान, तो संतों में तो नाराजगी है ना? नहीं नहीं मैं तो कहती हूँ कि मदनी है क्या, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे हैं, ये है क्या चीज, हिंदुस्तान का मुसलमान ये कह रहा है कि भाई ठीक है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया सही है, तो यहाँ पर अगर मदनी जो है कुछ भी उल्टी सीधी बात यहाँ पर कह जाएंगे और उनके ऊपर जो डिबेट्स होनी शुरू हो जाएगी, क्या ऐसे आदमी की वक्त बड़ा हैसियत बढ़ाने और मजबूत करने की? फाजिल अहमद साहब, क्या एक नया तरीका ढूंढ लिया गया है क्या कि अदालती फैसलों पर सवाल खड़ा किया जाए और ये कहा जाए कि ये फैसला है इंसाफ नहीं? अभी 2019 में फैसला आया और उसके बाद अब दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसके उद्घाटन की घड़ी आई, 4 साल तक मदनी साहब चुप थे और अचानक से उनको ख्याल आया कि अरे हमें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बोलना है और पीएम मोदी के वहां जाने का विरोध भी करना है। अमित जी आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं मैं कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरिटी पिटीशन पेंडिंग है, क्यूरिटी पिटीशन डालने का संवैधानिक अधिकार है हर नागरिक को किसी भी फैसले के खिलाफ, तो क्यूरिटी पिटीशन आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आप तो कानून की भी जानकार है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना नहीं, सुन लीजिए अब क्या होगा आगे, उस पर हम जा नहीं रहे। और रास वाले यहाँ जो बात लोग कह रहे हैं कि आप आदिवासी की बात, दलित की बात क्यों करते हैं, पिछड़ों की बात क्यों करते हैं, हजारों साल की गुलामी की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है हमारे देश का दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, और जिस तरह से
जाति जनगणना के बाद ये बीजेपी बैकफुट पर आई है और 5 राज्य के चुनाव में पूरी तरह से हार देख रही है, तो अब फिर से वापस मंदिर की तरफ गई है। मंदिर से इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। ये 5 राज्यों का चुनाव जो हार है ना, उस हार का ठीक है, उस हार के अंदर क्या परेशानी है, वापस मंदिर मंदिर देश के अंदर मंदिर मस्जिद ये करना चाह रहे हैं। आदिवासियों के आप अपनी बात क्यों नहीं करते, दलित ओबीसी पिछड़ा समाज आदिवासी समाज इनकी गुलामी हजारों साल की गुलामी की धड़ियों को तोड़ने का नया तरीका आपको समझ में आया? आपको पता है हर अधिकार नहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा है, काम नहीं करेगा, तकलीफ है आपके पैसा जो बाहर से आता था उसके मोदी ने तोड़ा मार दिया है, अब आप क्यों नहीं पिछड़ों की बात कर सकते, इसलिए आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हजारों साल से उनको गुलाम बना के रखा है, उनको गोबर फेंकवा रहे, उनको समाज में छोड़ो ना, बेकार की बातें कर रहे हो। हजारों सालों से उन्हीं की सरकार के ना फाजिल अहमद, और फिर आप यही मुद्दे उठाइए ना, फिर आप यही मुद्दे उठाइए, फिर आप प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या जाने का विरोध मत करिए। 10 सेकंड भदौरिया जी 10 सेकंड। देखिए अरला जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम समाजवादी लोग हम महिला प्रवक्ताएं बोलने नहीं दिया। मैं तो महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं तो कहता हूँ महामहिम देश की आदिवासी समाज से आती हैं, राष्ट्रपति जी को भी आप पार्लियामेंट के उद्घाटन में बुला लेते, मैं तो उन्हीं के लिए तो हल्ला मचाया था हमने लगातार इसी बात में, तो हमने वॉकआउट भी किया सदन से। हम तो ये भी कहते हैं कि महिला आरक्षण जब आप लेके आए पार्लियामेंट के अंदर में, तो हमने कहा महिला आरक्षण ला रहे हो तो 2024 में लागू कर दो, हमने तो सपोर्ट किया, आपके साथ खड़े थे, लेकिन आपने उसको टरकाने के लिए उसमें 2 पॉइंट ऐड कर दिए, नहीं पहले जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा। समय हमें और आगे जाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन महमूद मदनी के बयान का ना आपने खंडन किया, ना प्रियंका जी ने खंडन किया, ना फाजिल अहमद साहब ने किया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है हम उस फैसले का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, किसी को भी इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री को तय करना होगा, ये किसी महमूद मदनी को तय नहीं करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला देना है वो सुप्रीम कोर्ट देगा, वो भी कोई महमूद मदनी तय नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए।